अभी हमने पता किया है तो कह रहे सिर्फ 2-3 मिनट है तो फटाफट से हम मैंने कि थोड़ा सूट कर लेते हैं बाहर का। हमारी वाली जो सीट है वो इस साइड है, यहाँ पे है, पर कोई नहीं अब चल लेते हैं, सारे के सारे बैठ चुके हैं। कचौड़ी को ना यार टमाटो सॉस लगा के खाने में ज़्यादा मज़ा आता है चाय से ज़्यादा। तो गाइस देखो मैंने इसे ओपन कर दिया है, देख लो ये दाल है और मिक्स वेज है, आप खाना देख लो किस तरीके का। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय अनदर व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं वंदे भारत से, अयोध्या से दिल्ली। तो आधे समय भी हमने इसी से सफ़र किया था और ज़्यादा समय भी इसी सफ़र करेंगे, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस लेना था दिल्ली से अयोध्या आने का और अयोध्या से दिल्ली जाने का, वो भी आपको दिखाने के लिए कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। क्योंकि सेम टाइम पे मैंने मतलब कि सेम रूट किया है मैंने एक ही ट्रेन से, तो मैं देखना चाहूँगा कि अब अयोध्या से दिल्ली जाती है तो क्या इसके अंदर चेंजेस है, इसके अंदर जो फैसिलिटीज़ वगैरह कुछ बदलती है या नहीं। तो चलो चलते हैं, अभी गेट ओपन होने वाले हैं, ओपन हो गए हैं देखो ऑलमोस्ट। तो अभी साफ़ सफाई हो रही थी इसलिए हम वेट कर रहे थे, अब चलो चलते हैं अंदर, बाकी सबको देखते हैं आज आपको बताते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए इस वीडियो। गेट वेट ओपन हो चुके हैं, पहले अंदर जाके बैठते हैं। हमारा जो डब्बा है जो कोच है वो C5 है, और पिछली बार जो हमने ट्रैवल किया था वो C4 के अंदर से किया था, और C5 है और वो कैसे छकाचक भर चुकी है लग रहा नहीं है, अभी वेट कर रहे थे, लग रहा आगे से जाते हैं घूम के। C2 है ना, C5 पे चलते हैं डायरेक्ट ही, क्योंकि ना इधर ना देखो कैसे भीड़ हो रखी है, कुछ ज़्यादा भर रखा, टाइम लग जाएगा, ढंग से दिखा नहीं पाऊँगा ना आपको एक बार जब बैठ गए ना। बाकी इस वीडियो में आपको बहुत सी चीज़ें मेरे को लग रहा है चेंजेस देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि आप देखना कि खाने वाने को लेके शायद कुछ चेंजेस हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे ब्रेकफास्ट मॉर्निंग का टाइम था तो कुछ और होगा, और अब जो है अब मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट तो है नहीं, अब सीधा देखते हैं क्या करते हैं। शाम हो चुकी है क्योंकि ये 3:20 का यहाँ से टाइम है अयोध्या से इसका निकलने का, और ये यहाँ पे ना 2:20 पे यहाँ पे आके खड़ी हो जाती है, ठीक है 2:20 पे यहाँ पे आके खड़ी हो जाती है, और उसके बाद ये यहीं खड़ी रहती है और यही वापस जाती है जो दिल्ली से आती है, और यही वापस दिल्ली जाती है। सेम ऐसा नहीं है दो हैं यहाँ पे, तो सिंगल ही है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे C4 आ चुका है, C5 में जाके बैठते हैं फटाफट से। यहाँ पे अभी ना गेट क्लोज है और यहाँ से हम चल जाते हैं, यहाँ से हमें पास पड़ेगा, देखो ऑटोमेटिक है और यहाँ पर देखो कैसे खड़े हैं, देखते हैं अभी। तो अभी ना यहाँ पे अभी बहुत हो रखी है भीड़, अभी तो यहाँ एडजस्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि इन्होंने काफ़ी लेट जो है गेट खोला साफ सफाई करने के बाद, क्योंकि ना 3:20 पे यहाँ से चलने का टाइम है, इन्होंने 3:05 पे ना यहाँ पे अभी ओपन किया है गेट, जबकि यहाँ पे ना 2:20 पे आके खड़ी जाती है गाड़ी। तो अभी ऐसा हुआ कि ये देखो लोग वहाँ अभी तक एडजस्ट नहीं हो पा रहे, डब्बे इतने फुल है बहुत ज़्यादा, मतलब अभी सब अपना सामान सेट कर रहे हैं, तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। वैसे टाइम टू टाइम चलेगी मेरे हिसाब से, यहाँ 3:20 पे निकल लेगी, और टाइम से निकल जाए तो अच्छी बात है, देखते हैं बाकी अभी क्या क्या होने वाला है अभी। और अब तो ब्रेकफास्ट वाला जैसा कि मैंने आपको बताया वो तो होगा नहीं, अब देखते हैं क्या लाते हैं स्टार्टिंग में ये, और पानी की बोतल कितनी देर में देते हैं, पिछली बार याद होगा आपको पानी की बोतल मुझे दी नहीं थी जल्दी से। और दोस्तों पहला चेंजेस ये है कि देखो अभी जैसे ही बैठे जैसे ही स्टार्ट हुई है ट्रेन, तो सबसे पहले इन्होंने पानी की बोतल दे दी है आज, पिछली बार जो था इन्होंने बोतल बाद में दी थी जब हमारा ब्रेकफास्ट आ गया था उसके बाद, लेकिन इस बार तो आती है अभी पानी की बोतल मिल चुकी है हमें, और बाकी देखो अभी क्या क्या होता है, बाकी मज़ा आने वाला है बहुत। आज नाइट में बनेगा आपका ये ब्लॉग, उस टाइम डे का था अब ये नाइट में बनने वाला है ब्लॉग। तो गाइस अब ये फटाफट सर्विस दे रहे हैं, ये चेंजेस हैं इसके अंदर अभी जाते समय दिल्ली, क्योंकि देखो अभी तो 15 मिनट हुए हैं और उसके बीच में ये देखो एक ये फ्रूटी है इसके लिए, ठीक है अब क्योंकि ये, और ये देखो एक मिक्सचर है नमकीन है, और ये क्या है ये पॉपकॉर्न है, ठीक है, और इसके अंदर एक कचौड़ी है और वही चाय बनाने का वो है, और ये अपना टमाटो है, टमाटो सॉस है, केचप है, क्योंकि ये इसको खाने के लिए अपनी कचौड़ी को, और यहाँ पे देखो चाय वाय के लिए गर्म पानी भी आ चुका है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको पता ही है चाय बनाने का आइटम यानी चाय बनाने की सामग्री ऑलरेडी लेके आ चुके हैं, और स्टिक भी रखी होगी देखो फ्रूटी पीने के लिए भी स्टिक रखी हुई है, ठीक है। तो अभी चलो इनको, वैसे तो मैं नमकीन खाता नहीं हूँ वैसे, और ये देखूँगा पॉपकॉर्न खाऊँगा तो खाऊँगा नहीं तो उसके लिए, अगर आप नहीं भी खाओगे तो आप रख लेना अपने बैग में, मैं आपको एक सजेस्ट कर दूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है आपको वापस देना पड़ेगा कि आप रख सकते हो, क्योंकि आपने इसके पे किए हैं पैसे, क्योंकि इसका जो चार्जेस ज़्यादा है पूरा 300 रुपये और प्लस में GST आप पे करते हो इस खाने पीने का, तो फिर इसको आप इसमें कोई वो नहीं है कि आप अपना नहीं खाते हो तो उसको रख सकते हो, ठीक है ना। दोस्तों पहले तो बना रहा हूँ मैं चाय तो तुम्हें पता बड़ी दमदार बनाऊँगा मैं, क्योंकि तुमने देखा ही होगा पिछली बार पूरा डाल दूँगा पाउडर पूरा, पता है क्यों, क्योंकि यार ये कम मीठी बनती है अगर पाउडर पूरा ना डले तो, चलो पाउडर कितना सारा है।
अब बन गए एक नंबर के। चलो अभी ये ना फटाफट से हम पी खा लेते हैं और कचौड़ी खाऊंगा इसके साथ वैसे तो मैं, और ये तो थोड़ी देर में पीऊँगा चाय के साथ, मैं अपना फ्रूटी नहीं पीना चाहूँगा, और ये खा लेंगे देखते हैं मन करा तो। कचौड़ी को ना यार टमाटो सॉस लगा के खाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है चाय से ज़्यादा, चाय से कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा, टमाटो सॉस लगा के ना खाने का अलग ही मज़ा आ रहा है। फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ वैसे ऐसे ना कि चाय के साथ कचौड़ी हो, वरना कचौड़ी हम तो दिल्ली गए हैं, हम तो आलू की सब्ज़ी के साथ खाते हैं वरना कचौड़ी। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं बाहर क्योंकि अभी जो गाड़ी रुकी है वो लखनऊ रुक चुकी है, ठीक है, तो अभी बाहर चलते हैं एक बार। अभी देखो यहाँ से मैं आपको अपनी सीट दिखाता हूँ किस साइड है, हमारी वाली जो सीट है वो इस साइड है, यहाँ पे है, पर कोई नहीं अब चल लेते हैं, सारे के सारे बैठ चुके हैं और बाकी यही एक अब हम जो बना रहे हैं उजाले में यही बन सकता है बस। तो अभी हमने पता किया है तो कह रहे सिर्फ 2-3 मिनट है, तो फटाफट से अब मैंने कि थोड़ा सूट कर लेते हैं बाहर का, क्योंकि बाहर निकलने का ना मौका मिल ही नहीं रहा है अभी बार बार ऐसा। देखो ये भी यहीं है, तब तक ये बाहर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 5:20 पे यहाँ से चलेगी है और ये 5 से 6 मिनट यहाँ पे रुकती है, और फिर भी रिक्स लेना नहीं चाहूँगा यार मैं, वैसे लिए अंदर आ गया पहले देखेंगे बाकी जो भी है। अभी हम बाहर खड़े रह नहीं सकते क्योंकि ऑटोमेटिक डोर है और बंद हो गए तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी हमें, फिर नहीं चढ़ सकते और ट्रेन के जरिए। पर बाकी ना अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा कि आगे भी ना वंदे भारत खड़ी है सेम टाइम पे, पर वो पता नहीं कैसे खड़ी है वहाँ पे लखनऊ पर, वो सेम दो तो आती नहीं, आती तो एक ही है पर फिर भी खड़ी हुई है वहाँ पे। मैंने 3-4 बार अनाउंस कर भी दिया है अभी अंदर की जो भी बाहर हैं अंदर आ जाएं और जो गेट के अंदर खड़े हैं वो भी अंदर हो जाएं थोड़ा, क्योंकि गेट बंद होने वाला है, ठीक है। ये देखो ऑटोमेटिक ही बंद हो चुका है अभी, अब जो बाहर है वो रह जाएगा बाहर, इसलिए पहले अनाउंस कर दिया, 3-4 बार अनाउंस कर दिया उन्होंने, और ये जो अनाउंस करने के बाद हॉर्न भी 3-4 बार मारते हैं, फिर फाइनल अपना ये चेक कर लेते हैं आसपास, तो चढ़ गए तो चढ़ गए, नहीं चढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, फिर इनकी कोई गलती नहीं रहती उसके बाद, ठीक है ना, तो अपना चढ़ जाओ तो ही बेस्ट है फटाफट टाइम टू टाइम। तो फिलहाल ना अभी हम कानपुर पहुंच चुके हैं, तो अभी कानपुर आ गया है, तो फिर अभी यहाँ से ना खाना चढ़ता है, तो यहाँ पे खाना वाना चढ़ेगा, यहाँ से 10 से 15 मिनट रुकेगी, फिर उसके बाद सीधा जो है आनंद विहार, उसके बाद कहीं नहीं रुकने वाली है, सीधा सीधा यहीं से सीधा आनंद विहार जाएगी, और अभी खाना वाना देखो यहाँ पे चढ़ेगा, क्योंकि यहीं एक जगह है ज़्यादा समय भी खाना चढ़ता है, देखो आगे की साइड चढ़ रहा है, अभी यहाँ पे भी आएंगे जब देख लेना, क्योंकि जाते टाइम भी यहीं से खाना चढ़ता है और आते टाइम भी यहीं से खाना चढ़ता है, तो ये स्टॉप है खाना चढ़ने का, ठीक है। तो अभी देखते हैं यहाँ से 10 से 15 मिनट तो आराम से रुकेगी यहाँ पे गाड़ी अभी। ये देखो लेके आ रहे हैं हर डब्बे के अंदर ना अपना खाना उतारेंगे ये हर डब्बे के अंदर, तो यहाँ पे ये देखो ये खाना जा रहा है, अभी इधर रोकेंगे अपना ऐसे हर डब्बे में ना, देखो यहाँ पे देख लो फटाफट फटाफट उतारेंगे, ज़्यादा टाइम है नहीं उनके पास, तो सही। अंकल जी भी यहाँ पे देख रहे हैं कानपुर आ गए, देख लो अंकल जी 2-5-10 मिनट रुकेगी अभी यहाँ पे, तो अभी हमारे सामने वाली सीट पर बैठे हुए हैं अंकल जी भी, खाना देखो ऐसा फटाफट से चढ़ा के ना ये आगे जाके हर एक डब्बे में ना दे के आते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं एक ही जगह लोड नहीं करते, हर एक डब्बे में लगा के तो फटाफट देने की वजह से उन्होंने रेड लगा रखी है, रेड से धक्का मार मार के फटाफट लेके जा रहे हैं। चलो चलते हैं अंदर, कभी भी बंद हो जाए उससे पहले चल जाते हैं। तो दोस्तों ये मैं आपको एक चीज़ बता दूँ इस ट्रेन के लिए, जैसे कि आपको इमरजेंसी ड्राइवर से बात करनी है ना, आपको कोई जैसे इमरजेंसी हो गया है आपका कोई साथी छूट गया है कुछ भी है, तो आप ना ये जो बटन है ना इसको प्रेस करके रखोगे ना, तो ये रेड लाइट इधर ये रेड लाइट की जगह ना तो ग्रीन लाइट लिखो ग्रीन लाइट हो जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हो वेटिंग में रहेगा तो ये दबा के रखोगे ऑटोमेटिक ग्रीन लाइट हो जाएगी, तो इसका मतलब ड्राइवर जो है ना आपकी लाइन पे, तो आप उसको समझा सकते हो जो बात है अगर आपकी कोई इमरजेंसी हो तो, अदरवाइज़ अगर ऐसी आपने रैंडमली कॉल कर दी ना अगर, तो आपका चलान बहुत भारी कटने वाला है, और इधर साफ लिखा हुआ है इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, जैसे इमरजेंसी जब इमरजेंसी पड़ जाती है, जैसे ट्रेन के अंदर किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हो जाती है, तो इस शीशे को ब्रेक करने के लिए ना कि रेड वाले साइन पे अगर आप मारोगे किसी भी चीज़ से तुरंत ही ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में भी ना साफ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे इमरजेंसी क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है इस वजह से। और सेकंड चीज़ एक चीज़ बता दूँ आपको, यहाँ पे ना कटन लगे हुए हैं, देखो कितने बढ़िया दमदार, जैसे कि ये है दिन के लिए गर्मी में अगर जैसे धूप आ रही है ना बहुत तेज, तो उस वजह से है, तो ये लगा सकते हो आप, कटन भी देख लो बहुत बढ़िया वाले हैं, देख रहे हो। तो ये सारी सर्विस आप छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत नोट करने वाली हैं, इसके अंदर काफ़ी सोच समझ के इन्होंने मतलब सुविधा मतलब देखी हुई है, और इस चीज़ के बारे में आपको बताऊं, देखो ये टच करते ना लाइट वाइट की जरूरत है आपको, तो ऐसे देखो आप जला सकते हो, ठीक है, टच करते सेंसर लगे हुए हैं ऐसे ही ये क्लोज हो जाएगी, बंद हो जाएगी मतलब ऑफ हो सकती है, और ऐसे ही ना सारा इन्होंने सेंसर वाला सिस्टम लगा रखा, टच करते सारा काम हो जाएगा। तो चलो अभी ना अभी आने वाला है थोड़ी देर में शायद डिनर वगैरह आएगा, तो वो देखेंगे, या उससे पहले अगर कुछ मिलता है तो वो भी देखते हैं। तो गाइस देखो मैंने इसे ओपन कर दिया, आप देख लो ये दाल है मिक्स वेज है, आप खाना देख लो किस तरीके का,
ये शाही पनीर है, इसके अंदर मटर नहीं है। और ये देखो पराठे हैं, और यहाँ देखो दही है और गुलाब जामुन है, और ये अचार है। तो ये आप देख लो, आप पहले से खा लेते हैं, पेट पूजा करते हैं, फिर आपको बताता हूँ टेस्ट इसका। दोस्तों हमने फाइनली डिनर कर लिया है, और डिनर में जैसा कि मैंने आपको बताया था क्या क्या आ रखा है, तो वही सब कुछ आया था। और जब हम दिल्ली से गए थे अयोध्या, तो उस टाइम पे भी सेम ही खाना था जो लंच में दिया था, और वही सेम डिनर में है, कोई भी चेंजेस नहीं था एक भी चीज़। हाँ बस स्टार्टिंग का जो यहाँ से जब अयोध्या से इधर के लिए बैठे तो बस चेंजेस था कि जैसे कि फ्रूटी वगैरह दिए, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं दिया था दिल्ली से यहाँ से जाने टाइम पे। और बाकी खाना अभी का स्वाद भी वही सेम ही था जैसा था, हाँ ठीक ठाक था ना, कोई ऐसा नहीं कह सकते हो कि हर कोई बंदा खा लेगा पसंद आ जाएगा मतलब, लेकिन बहुत ही अच्छा था ऐसा भी नहीं था, ठीक है ना, एवरेज था खाना जो था। और सेकंड ये है कि अब जो है अगर आपको चाय वाय पीनी है, कॉफ़ी वाफ़ी पीनी है, तो उसको तुम ले सकते हो दोबारा, ठीक है, लेकिन खाना वाना आपको दोबारा नहीं मिलेगा उसके बाद। या फिर कोई भी चीज़ पानी की बोतल भी अगर एक्स्ट्रा लेते हो तो उसका चार्जेस लगेंगे 15 रुपये, वो मैंने कन्फर्म कर लिया उनसे। बाकी कह रहे हैं कि आप चाय वगैरह आपको मिल सकती है, चाहे एक पियो दो पियो वो अलग चीज़ है, और पानी वानी अलग से लेना पड़ेगा आपको, उसके एक्स्ट्रा चार्ज करने पड़ेंगे। और सेकंड ये है कि अब देखते हैं अभी आगे क्या होता है, कहाँ रुकती है अब डायरेक्ट, वैसे तो रुकेगी दिल्ली, ऐसे रुकेगी नहीं उससे पहले, कि कई बार क्या होता है कि अगर जल्दी जा रही होती है या कोई पासिंग नहीं मिलती है इसे आगे, तो थोड़ी देर के लिए कहीं खड़ी हो जाती है। बाकी देखते हैं अब टाइम पर पहुँचाएगी या कितना लेट पहुँचाएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ना चेयर कार सीट लीजिए, यानी सीसी जो होता है, एग्जीक्यूटिव क्लास लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना, 3,000 रुपये आप वेस्ट करोगे और कुछ नहीं एक सीट के लिए। जाना वैसे ही सर्विस वही है सब कुछ, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है तुम्हारे लिए कि अगर एग्जीक्यूटिव क्लास लेते हो 3,000 रुपये खर्च करके, तो उससे बढ़िया चोचले वाली से बच के आप सीसी लीजिए, सीसी यानी चेयर कार। तो गाइस आनंद विहार आ चुका है रेलवे स्टेशन, तो आज इसने जल्दी नहीं बहुत जल्दी उतार दिया है, जैसा कि इसका टाइम है 11:40 का, और लेकिन इसने हमें उतार दिया आज 11:05 पे, यानी 35 मिनट पहले इसने हमें उतार दिया है आते समय। और देखो ये सारी जो है ना पब्लिक सिर्फ वंदे भारत ये, बाकी अभी इससे पहले मैंने जो देखा था कुछ भी नहीं था यहाँ पे। और देख लो सारी की सारी ना आपको दिखा देता हूँ और किसी तरीके से वंदे भारत की है, वंदे भारत की जो है ना पब्लिक हटने के बाद कुछ नहीं है, यहाँ पे खाली हो जाएगा रेलवे स्टेशन। तो चलो चलते हैं, इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तो बोलो जय श्री राम।